गाइस, कैसे आप सब लोग? दिस इज दीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप स्विमी व्लॉग्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि हमारी जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रही थी यूट्यूब में। एक्चुअली अपलोड करने के लिए हमारे पास वीडियोस तो थे, बट एडिट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। और सेकेंड चीज़ गाइस कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, स्पेशली घर शिफ्टिंग करने में, क्योंकि यार मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया है और अभी क्लियरली आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरा SSC CGL के थ्रू एक न्यू जॉब में सिलेक्शन हो चुका है जो कि कोलकाता में है। तो मुझे पोस्टिंग कोलकाता में मिली है, मतलब तो हम अभी लास्ट कुछ मंथ से हम लोग जितना भी शिफ्टिंग का काम है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का काम है या जो बाइक से रिलेटेड भी काम है, बहुत सारे NOC वगैरह लेना था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे न्यू RTO में, तो वो सब कर रहे थे। तो इसी कारण से यार बहुत बिजी थे, बट फाइनली द वेट इज़ ओवर और अभी ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बहुत जल्द ऑलमोस्ट 2-3 दिन में एक बहुत ही लंबी राइड करने वाले हैं जिसको मैं घर वापसी राइड बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बेंगलोर से मेरे होम टाउन रांची तक जाने वाले हैं जो कि अराउंड 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड होने वाली है। और इसमें हम लोग को एटलीस्ट 4 डेज तो लगने ही वाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सटेंड भी कर लेंगे, लेकिन मिनिमम 4 डेज तो लगने ही वाले हैं या फिर 5 डेज करेंगे अगर कहीं पे अगर फंस गए तो, एंड आई होप ऐसा ना हो, बट देखेंगे यार गाइस, क्योंकि इतना लंबा ट्रिप हमने भी कभी नहीं लगाया है, ठीक है, हमारे लिए फर्स्ट है। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट होने वाला है जो मुझे लगता है अभी तक, मतलब अभी तो पता नहीं रोड कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है, बट अभी लगता है जो फर्स्ट हम लोग को निकलेंगे यहाँ से बेंगलोर से विजयवाड़ा तक निकलेंगे पहला दिन में, तो वो अराउंड 660 किलोमीटर है, मतलब 12 घंटे की रेगुलर कंटिन्यूस राइड है। तो उसको हम लोग को अगर ब्रेक लेंगे बीच में तो 2-3 घंटा मान लीजिए, मतलब 15 घंटा के अराउंड हम लोग को टोटल लगने वाला है उसमें। तो यार रात में ही निकलना पड़ेगा हम लोग को, तो जैसे निकलेंगे हम लोग बेंगलोर से रात के 2-3 बजे ही निकलना पड़ेगा ताकि हम लोग जो नेक्स्ट डे है होटल 5-6 बजे तक पहुँच जाए, मतलब शाम होने से पहले, ठीक है। तो इस कंडीशन में यार होंडा हाइनेस की जो लाइट्स है, हेडलाइट है, वो NH में जवाब दे देगी, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी साथ में हम लोग ले लेंगे अभी और इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक पे। प्लस मेरे जो ब्रेक पैड्स हैं, जो होंडा के ओरिजिनल ब्रेक पैड्स हैं, वो भी फ्रंट टायर के वर्न आउट हो चुके हैं, तो उनको भी चेंज करना है, तो आज वो भी हम लोग ट्राई करेंगे कि चेंज हो जाए। और साथ ही साथ अभी आपको पता ही है अगर जो लोग बेंगलोर में है कि बेंगलोर का वेदर कैसा है, फॉग बहुत ज़्यादा है और या फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया हुआ है कितनी प्रॉब्लम होती है जब बारिश आती है और वाइजर पे आपका लगता है और उसके बाद कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। और स्पेशली जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वाइजर खोल भी नहीं सकते हैं, अगर वो वाइजर खोल देंगे तो उनके चश्मे पे आ जाएगा, फिर तो कुछ ही नहीं दिखेगा अगर बारिश बंद भी होगी तो यही प्रॉब्लम है गाइस। तो एक एंटी फॉग एंटी रेन फिल्म भी मंगाया है, बट वो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है और वो एक्चुअली कार के लिए यूज़ होती है, बाइक का मुझे कुछ मिला नहीं अच्छा जिसकी रेटिंग वगैरह अच्छा हो। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि वही जो एंटी फॉग फिल्म है वो अपनी बाइक पे लगाएं। और जो ऑक्स लाइट्स का मैंने बात किया आपसे, तो वो अभी सोचा है स्काउट का ही लगाएंगे, मैड डॉग स्काउट जो आता है ऑक्सिलरी राइट्स, तो वो हम लोग लगाने का सोचे हैं अभी, तो देखते हैं यार। और जो ब्रेक पैड्स है वो भी वेस्ट्रा का लगाएंगे, क्योंकि यार लंबी राइड है अराउंड, जैसे मैंने बताया 2000 किलोमीटर्स, 4 दिन बहुत होता है, और मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ एक्चुअली कि इतना लंबा राइड पहले नहीं लगाया ना हमारी बाइक में ने एक दिन में 660 किलोमीटर्स जो कि यहाँ से विजयवाड़ा का दूरी है वो कवर किया है। तो देखते हैं यार, आई होप सब सही होगा, इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, बाकी सब सामान तो है ही है, सेफ्टी वगैरह का सब सामान रख लिया है, बस अब जो ऑक्स लाइट्स हैं वो लगवाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है लाइट्स, क्योंकि 100% चाहिए हाईवे में नाइट के लिए। तो चलिए फटाफट फिर निकलते हैं और बने रहना यार, अभी बहुत ही अच्छी अच्छी लंबी राइड्स के वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, आप कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे। और सबसे पहले तो यार इतना लंबा मेगा राइड, मेरी घर वापसी राइड डायरेक्ट बेंगलोर टू अपने घर, वो होने वाली है, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहने वाली है, तो चलो यार बहुत मजा आने वाला है, बट तैयारी करके जाना है, तो तैयारी करते हैं फटाफट, अभी चलते हैं दुकान पर। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं आदेश्वर ऑटो जोन और यहीं से हम लोग लेने वाले हैं अपने ऑक्स लाइट्स जो कि मैड डॉग स्काउट के होने वाले हैं। हमने फ़ोन पे ऑलरेडी इनसे बात कर लिया था, इनके पास अभी है स्काउट का जो लाइट्स है, ठीक है, तो फटाफट से लाइट्स लेते हैं और देखते हैं अगर ब्रेक पैड्स भी हम लोग को यहीं मिल जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है।
सो गाइस आप देख सकते हो हमें स्काउट के लाइट्स मिल चुके हैं, मैड डॉग स्काउट के हैं ये, जो कि 3000 ल्यूमन लाइट प्रोड्यूस करते हैं पर पेयर, मतलब दोनों लाइट्स इंक्लूडेड है 3000 लाइट्स ल्यूमन लाइट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और इससे एक अपर मॉडल भी आता है इसका, जो कि स्काउट एक्स नाम से है, वो 4800 ल्यूमन लाइट प्रोड्यूस करता है इंक्लूडिंग बोथ द लाइट्स, ठीक है। और जो स्काउट वाला मॉडल है उसमें 10 वाट ईच लाइट कंज्यूम करता है, ठीक है, तो मतलब 20 वाट्स टोटल कंज्यूम करता है। तो हमने यार स्काउट वाला ही लाइट चूज़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को लाइट की ज़रूरत भी नहीं है, बाइक पे लगा रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी है, क्योंकि मुझे जो बैटरी है उस पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है, क्योंकि टाटा का बैटरी मुझे नहीं लगता है, जो होंडा हाइनेस का ओरिजिनली आया है वो उतना ज़्यादा केपेबल है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करे, तो इसलिए मैंने जो हाई मॉडल है वो चूज़ नहीं किया है। तो अभी यार उसका फिटिंग वगैरह हो रहा है, तो लेट मी क्विकली टेल यू कितना कॉस्ट पड़ा मुझे पूरा मिला के, क्योंकि आपको बस लाइट्स ही नहीं खरीदने होते हैं, लाइट्स के साथ साथ आपको इसका हार्नेस, वायर, स्विचेस, क्लैंप्स, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो पूरा आपको सेट लेना पड़ेगा मैड डॉग की तरफ से, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप सिर्फ लाइट्स का बोलो तो दोनों लाइट्स मुझे पड़े हैं 3750, और उसके बाद आपको जो हार्नेस है तो वो जो हार्नेस किट वायर या हार्नेस आप बोल सकते हो, वायर हार्नेस किट आपको दो तरह का मिलेगा, एक तो जो कि वाटरप्रूफ नहीं है जो कि 500 में आपको मिल जाएगा, और एक जो वाटरप्रूफ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप वाटरप्रूफ वाला ही यूज़ करो, और वो आपको अराउंड 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा, और क्लैम्प्स वगैरह आपको 500 पड़ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर शॉप, जहाँ से भी आप शॉप कर रहे हो बार्गेनिंग आप कर सकते हो उनसे, ठीक है। और साथ में आपका फिर स्विच जो है वो भी मैड डॉग का है, तो स्विच आपको 500 का पड़ जाएगा। सो जो टोटल कॉस्ट हो रहा है इसका इंक्लूडिंग ऑल दिस आइटम्स, लाइट्स, क्लैम्प्स, हार्न वायर एंड हार्नेस एंड स्विच, सो इंक्लूडिंग ऑल दैट इट वुड कॉस्ट अराउंड 5500 to 6000, एंड इफ़ यू आर अ गुड बार्गेनर यू कैन बार्गेन इट फॉर मच चीपर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है यार, मैं उतना अच्छा बार्गेनिंग नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे अराउंड 5500 पड़ा है, ठीक है। बट 500 रुपीज़ का आपका जो फिटिंग चार्जेस है वो भी देना पड़ेगा, जो मैकेनिक अभी फिट कर रहे हैं तो उनको भी देना पड़ेगा, तो अराउंड 6000 का खर्चा आ ही गया मान लो आप, ठीक है। और एक और चीज़ गाइज, आप जो फिटिंग पोजीशन है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एक तो आपको क्लैंप्स मिल जाएंगे जो कि आपका लेग गार्ड में जो है वो लगा वहाँ पर लगा सकते हो, आप आपके ऑक्स लाइट्स वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, या फिर जो सेकंड पोजीशन है जो दुकान वालों ने ही मुझे रिकमेंड किया है कि हेडलाइट के नीचे लगाने का, तो हम सोच रहे हैं कि वहीं पे लगवाते हैं अभी, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेडलाइट के जस्ट नीचे लगा रहे हैं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके हिसाब से आप जो मेन हेडलाइट है उसके नीचे ही आपको लगाना है जो भी लाइट्स वगैरह आप लगा रहे हो, तो इसीलिए यार हम थोड़ा सा नीचे ही लगा रहे हैं। ये एक अच्छा पोजिशन भी है, एक अच्छा व्यू आपको फ्रंट एंड में मिल जाएगा बाइक के, अदरवाइज़ क्या होता है अगर लेग गार्ड में लगाएंगे तो साइड साइड का व्यू मिलेगा, फोकस जो रहेगा लाइट का बीच में उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग बीच में लगा रहे हैं। और गाइस बहुत से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वारंटी वगैरह कुछ इशू होता है कि वायर वगैरह कट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैड डॉग के लाइट्स इंस्टॉल करते हो अगर आप, तो कोई भी वायर की कटिंग नहीं होती है, जिसके कारण वारंटी का कोई भी इशू नहीं आता है। मैं ऑलरेडी सर्विस सेंटर में पूछ चुका हूँ, और बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है बेंगलोर में ही मैड डॉग के हेडलाइट्स अपने होंडा हाइनेस या होंडा RS 350 RS में, तो वो लोग भी बता चुके हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और बहुत लोगों ने तो सर्विस सेंटर से ही लगवाया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा अपने आप ज़्यादा डाउटफुल फील कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर से ही लगवा लो लाइट्स, लाइट्स आप कहीं से ही परचेज़ कर सकते हो और सर्विस सेंटर में ही जाके लगवा सकते हो, वो लोग लगा देंगे, ठीक है। तो बस अब हमारी लाइट इंस्टॉल हो रही है, अब थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद हमने अभी बोल रखा है जो ब्रेक पैड्स हैं वेसरा के उनको इंस्टॉल करने के लिए, बट अभी इनके पास अवेलेबल था नहीं, तो इन्होंने पास वाले दुकान से मंगाया है, तो देखते हैं वो कब आता है, और साथ में उसको भी इंस्टॉल करेंगे। तभी यार देख लो लाइट्स इंस्टॉल हो रही है हमारी। तो भाई लोग अभी देखो मैं टेस्ट कर रहा हूँ जो ऑक्स लाइट लगवाए हमने स्काउट ऑक्सिलरी लाइट्स, तो उसका टेस्टिंग देख लो, ये हाईवे पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और देख सकते हो कितना ब्राइट स्प्रेड है, और ये अभी ऑक्स लाइट ऑन है, ये देखो मैंने ऑफ़ कर रहा हूँ अभी, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई, तो ये सेफ भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा देर ऑफ़ करके नहीं रखूँगा,
ये देखो। तो भाई अभी हाईवे पे हैं, ज़्यादा देर लाइट्स ऑफ करके नहीं रख सकते हैं। और अब आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि ऑक्स लाइट्स क्यों ज़रूरी है, स्पेशली होंडा हाइनेस के लिए। तो भाई अगर आपको हाईवे पे ट्रैवल करना है या लॉन्ग टूर करना है, ऊपर से नाइट को आपको ट्रैवल करना है, तो आपको ऑक्सिलरी लैंप्स लगाना ही पड़ेगा। तो आपको डिफरेंस अभी तक पता चल ही गया होगा, हाईवे में आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये ऑक्सिलरी लाइट्स लगा लो। ठीक है, ओके गाइस। सो गाइस अभी ऑक्स लाइट्स तो इंस्टॉल हो गई हैं स्काउट की, और अब बारी है ब्रेक पैड्स की। तो आप देख सकते हो ये जो होंडा के ओरिजिनल ब्रेक पैड्स आते हैं, आई थिंक निफिन के हैं। तो ये ओरिजिनल ब्रेक पैड्स है जो कि फ्रंट जो डिस्क पैड है उसमें लगते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, और आप देख सकते हो हमें क्यों ब्रेक पैड चेंज करना पड़ा है। ये देखो, अगर आप देख सकते हो जो ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एकदम जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखो जो ग्रूव्स दिख रहे हैं बीच बीच में, तो ये होता है उसका इंडिकेशन कि अगर ये ग्रूव्स तक पहुँच जाए आपका लेयर थिन होते होते, जो आगे का आप ऑर्गेनिक लेयर देख रहे हो ना ब्रेक पैड का जो लेयर है, वो अगर ग्रूव्स तक पहुँच जाए इसका मतलब यही होता है कि आपका ब्रेक पैड वर्न आउट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा अगर वर्न आउट होगा तो आपका जो स्टील का यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम, उस पर जाके लग सकता है, उसके कारण आपका जो पूरा डिस्क है वो भी ख़राब हो सकता है। तो उससे पहले यार चेंज करा लेना चाहिए। अभी देखो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक सॉफ्ट इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ग्रूव्स आप जब तक ब्रेक पैड निकालोगे तब तक देख नहीं पाओगे। बट अगर आपको लगा हुआ है आपकी गाड़ी में अभी ब्रेक पैड्स इंस्टॉल्ड हैं, और आपको पता करना है कि मुझे ब्रेक पैड्स जो हैं वो चेंज कराने हैं या नहीं कराने हैं, वर्न आउट हुए हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपको स्टील का रिम दिख रहा है ना, ये वाला जो थिकनेस वाला स्टील का ये फ्रेम दिख रहा है, ये वाला ब्लैक कलर का, साइड्स प्रोफाइल से आपको दिखा रहा हूँ, तो वो हो गया स्टील का फ्रेम, जिससे कि ये ब्रेक पैड का जो मटेरियल है वो अटैच्ड है। तो ये जो हो गया ये स्टील वाला ये फ्रेम हो गया, और ये जो है ये नीचे वाला ये ब्रेक पैड का मटेरियल हो गया। तो अगर ये जो स्टील फ्रेम से भी थिन हो चुका है ना, अगर ये ब्रेक पैड का जो मटेरियल है ये उससे भी थिन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका ब्रेक पैड हो सकता है कि वन आउट अब हो जाएगा जल्दी ही। तो यार चेक करते रहो, और अगर इसका थिकनेस इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है स्टील फ्रेम से, तो इसका मतलब है आपका ब्रेक पैड अभी सही है और अभी चलेगा लंबा तक। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपका थिकनेस इतना है तो अराउंड 1000 से 2000 किलोमीटर तक भी चल सकता है ये ब्रेक पैड्स अभी भी, क्योंकि ये फुल वर्न आउट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो अभी भी एटलीस्ट 1-2 मिलीमीटर्स का थिकनेस बाकी है। तो बट हम लोग ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि हम लोग का पता था 2000 किलोमीटर का भी राइड करना है हम लोग को, तो इसीलिए हमने रिस्क नहीं लिया और चेंज करवा ले रहे हैं। तो अभी जो हम लोग ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे वो होगा वेसरा का सिरामिक ब्रेक पैड्स है वो। ये आपका ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आता है, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जल्दी वर्न आउट होते हैं, बट इनका जो ग्रिपिंग पावर होता है वो भी बेटर रहता है सिरेमिक ब्रेक पैड से। बट सिरेमिक ब्रेक पैड से क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। तो अभी देखते हैं यार वेसरा का हम लोग इंस्टॉल करेंगे ब्रेक पैड्स। ये आपको मैं बस बता दे रहा था कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका ब्रेक पैड्स वर्न आउट हुआ है या नहीं वर्न आउट हुआ। सो गाइज अभी हमारे ब्रेक पैड्स मिल चुके हैं जो कि वेसरा के हैं। फॉर्चुनेटली दूसरे दुकान पे ब्रेक पैड्स अवेलेबल थे वेसरा के, तो यार अभी उनको इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया गाइज, ये सिरेमिक ब्रेक पैड्स हैं, तो इनमें जो मेटल होता है, मेटल का पाउडर यहाँ पे होता है मटेरियल में, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो इसीलिए मैंने इस बार वेसरा को पिक किया है। वेसरा का ब्रेक पैड्स भी टेस्ट कर लेते हैं, निकावी का भी आता है, आप निकावी का भी ट्राई कर सकते हो, हमने तो अभी तक ट्राई नहीं किया है। देखते हैं यार कितना ड्यूरेबल रहता है। मैंने ऑलरेडी जो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स है उनको अराउंड अभी 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स हो चुके हैं, तो उनको यूज़ किया है और मुझे तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। बस जो वर्न आउट है वो हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचा होगा, अभी 1000 किलोमीटर और चलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया जो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स हैं, तो बस यार इनको इसका काम हो जाएगा तो फिर चलेंगे। और आप जब भी ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करवाओ तो आप डबल चेक ज़रूर कर लो कि आपका सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ब्रेक पैड्स बहुत टाइटली फिट हो जाते हैं या फिर बहुत लूज़ होते हैं। तो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, और स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइट चले आपका जो डिस्क है, बट अगर 1-2 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कि ज़्यादा हीट होने लगता है आपका डिस्क, तो आप डेफिनेटली विदाउट, अगर ब्रेक नहीं भी मार रहे हो तब भी अगर ब्रेक पैड्स जो ब्रेक डिस्क है आपका वो हीट हो रहा है, तो आप डेफिनेटली दोबारा से उसको रीएडजस्ट करवा लो ना, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो ये एंटी फॉग फिल्म मंगाया हमने अमेज़ॉन से, अभी पहुंचा है। तो ये HSR की तरफ से है, एक जेनरिक ब्रांड ही है, तो देखते हैं यार कितना यूज़फुल होता है ये फिल्म। इसके अंदर आपको 2 फिल्म्स मिल जाएंगे ऐसे, हालांकि इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, मैंने सोचा था इससे बड़ा होगा। कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं और एक
कार्ड मिल जाता है जो रब करने में हेल्प करेगा, और एक वाइप मिल जाएगा आपको जिससे आप क्लीन कर सकते हो जो सरफेस है हेलमेट का। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों कार के मिरर्स के लिए, साइड मिरर्स के लिए। मुझे हेलमेट के लिए तो कुछ ऐसा मिला नहीं अच्छा, बट इसी में आप हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो अगर हम लोग दोनों साइड दोनों फिल्म्स को रखे साथ में तो थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं हम लोग। इसको थोड़ा काटना पड़ेगा इधर से शायद, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सो गाइस कट तो कर लिया है अभी, बट अभी आपको इसको चिपकाना है। तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है वो है इसको अच्छे से स्प्रे करना है वाइज़र पे, जो पानी स्प्रे करके आपको अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है, वाइप करके। नॉर्मल कपड़े से क्लीन करने के बाद आपको जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया गया उससे भी अच्छे से इसको क्लीन करना है ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे। अगर डस्ट वगैरह रहेगा तो नहीं चिपकेगा, तो इसीलिए यार पहले फटाफट से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है गाइस कि जो कर्व है ना हेलमेट का, वो कहीं प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि वो फ्लैट सर्फेसेस पे चिपकाने के लिए है जो फिल्म्स है। बट पहले तो अब इसको साफ़ कर लिया जाए अच्छे से। सो गाइस ऐसे साफ़ करने के बाद आपको दोबारा से वाटर स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें कोई ग्लू नहीं है जो आपका फिल्म है। ये वाटर का जो होता है वैक्यूम बनेगा, जो वाटर से आपको चिपकाओगे तो उसी से चिपकेगा। तो अभी यार देखो चिपका रहे हम लोग। जो बैक का पोर्शन है, बैक का जो फिल्म का कवर है वो हटा दिया है, बस फ्रंट वाला भी नहीं हटाया है। और लेट्स ट्राई कि ये चिपक जाए अच्छे से रब करके। यार देखो ये यही प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो भाई इसका जो कर्व नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा सॉलिड टाइप का है, थोड़ा ज़्यादा फर्म है फिल्म, चिपक नहीं रहा है, पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा हार्ड मटेरियल का, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक टाइप का लग रहा है। ये फोल्ड हो जा रहा है भाई। यार मुझे तो लग रहा है ये चिपकेगी नहीं ऐसे में, क्योंकि वो मुड़ ही नहीं रहा है, जो फिल्म है वो नहीं मुड़ रहा है, ये देखो। सो गाइस हम लोग का ये जो बाय रहा एंटी फॉग फिल्म का अमेज़ॉन से, मुझे तो लगता है ये वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि यार देख रहे हो ये चिपक ही नहीं रहा है। हमने इसको और भी छोटा थोड़ा सा काट दिया है जो फिल्म है, ताकि जो कर्वेचर है वो कम मिले और एटलीस्ट फ्लैट सरफेस मिले फिल्म को चिपकने के लिए। बट फिर भी देख रहे हो यार अच्छे से नहीं चिपक रहा है यार, बबल्स अंदर रह जा रहे हैं, वो थोड़ी देर में निकल जा रहा है, अच्छे से तो नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा वेस्ट ही बोल सकते हो आप। मतलब 250 रुपीज़ का अराउंड पड़ा था, तो मुझे नहीं लगता, एक्सपेरिमेंट किया था अगर हो सकता तो, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है जब बारिश का पानी आता है तो फिर वो वाइज़र पर लग जाता है और फिर देखने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा कि एंटी फॉग फिल्म वगैरह कुछ काम करेगा, बट ऐसा कुछ काम कर नहीं रहा है। तो अब स्प्रे अगर मिलेगा तो देखेंगे, बट अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। अभी नेक्स्ट डे कल ही निकल रहे हैं हम लोग, मतलब आज लास्ट डे हम लोग का बैंगलोर में, उसके बाद निकल जाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। एक और तरीका मैंने सोचा है कि जो हेलमेट का ये फिल्म है उसको और भी सेपरेट सेपरेट बहुत सारे पार्ट्स में अगर काट देंगे तो मे बी हो सकता है, देखेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आपको बताएंगे। सो गाइस और कुछ सुझा नहीं मुझे, तो हमने ये देखो पतले पतले स्ट्राइप्स काट के चिपका दिए। अब ये कितना यूज़फुल रहता है ये तो अभी राइड पे जाने से ही पता चलेगा। और अभी हम लोग कल निकलने वाले हैं, तो फाइनली कुछ ना कुछ तो करना था, तो ऐसा ही हो गया। बट मैं रिकमेंड करूँगा गायज कि आप लोग जो फिल्म है, अगर कार का वाला आप ख़रीद रहे हो और सोच रहे हो बाइक के हेलमेट पे लगा देंगे, तो ये वर्क नहीं करने वाला है। मुझे लगा था ये फ्लेक्सिबल होगा, चिपक जाएगी, बट ये हार्ड प्लास्टिक का टाइप का है, ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं है जैसा कि लेमिनेशन वगैरह टाइप का होता है, तो उस टाइप का नहीं है गाइस। तो डू केयर फॉर दैट और कीप दिस इन माइंड। तो अगर स्प्रे ही मिलेगा तो स्प्रे आप देख लेना, बट उसका भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने दुकान से पूछा था जहाँ से हमने ये ऑक्सलाइट्स वगैरह लगवाई, तो वो लोग बता रहे थे कि स्प्रे भी ज़्यादा अच्छा से काम नहीं करता है। तो देखते हैं, अगर ये टिक गया तो ठीक है, मुझे लगता नहीं है टिकेगा, बट विल सी। तो ठीक है गाइस, प्रिपरेशन के जितना भी जो भी सामान हमने अभी लगाया वो आपको दिखाई दिया है, ऑक्स लाइट्स लगवाए हैं, ब्रेक पेड चेंज करवाया और ये भी लगवा लिया। अभी ये तो कोई काम का होगा कि नहीं पता, बट बस यार बाकी सब तो प्रिपरेशन हम लोग का किया ही हुआ है। सेफ्टी गेयर्स वगैरह, किट वगैरह सब कुछ है। एमरजेंसी के जितने भी आइटम्स हैं मैं पहले ही एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वो सब भी हम लोग सब ले जा रहे हैं, सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। और कल निकलेंगे हम लोग हमारी मेगा 2000 किलोमीटर राइड के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया। तो बहुत जल्दी उसके वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे हम लोग पहुँचेंगे अपने होम टाउन, उसके बाद हम लोग वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देंगे।
तो ठीक है गाइस, प्रिपरेशन का वीडियो आपको दिखाई दिया, अब बस राइड का स्टार्ट होने का हम लोग का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और आप लोग को भी दिखाएंगे यार। तो चलो ठीक है, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।